हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों, मिर्च की खेती खाद फर्टिगेशन शेड्यूल। मिर्च की खेती में शुरुआती चरणों पर नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुख्य स्टेज पर फास्फोरस और मैच्योर की स्टेज पर पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बीच बीच में जिंक, कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती रहती है, जो उपज बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। मिर्च की फसल पर खादों का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है और हम जो आपको शेड्यूल बताने वाले हैं आपको प्रति एकड़ की दर से बताएंगे। और जो भी शेड्यूल है टीपीएन ट्रांसप्लांट्स हैं, 10वें दिन से हम अपना जो ड्रिप का फर्टिगेशन शेड्यूल है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है, जानकारी यदि अच्छी लगती है, तो वीडियो को किसान हित पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जैसे ही हमारी पौध रोपाई से 10वें दिन की मिर्च की फसल होती है, तो प्रति एकड़ 1 किलोग्राम NPK 19:19:19 और 1 किलोग्राम यूरिया खाद को इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप की सहायता से हमको देना है। 13वें दिन टीपी से जैसे ही हमारी फसल मिर्च की 13वें दिन की होती है, 1 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम 19:19:19 ड्रिप में दे सकते हैं। पौध रोपाई से टीपी से 16वें दिन 2 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम 17:44:0 आप दे सकते हैं। मिर्च की फसल ट्रांसप्लांट से 18वें दिन की होती है, तो यूरिया 2 किलोग्राम 19:19:19 1 किलोग्राम की दर से प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में छोड़ें। 21वें दिन 12:61:0 2 किलोग्राम दे सकते हैं। मिर्च की फसल टीपी से 24वें दिन की होती है, तो 1 किलोग्राम NPK 19:19:19 1 किलोग्राम 17:44:0 इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप दे सकते हैं। टीपी से 27वें दिन 1 किलोग्राम 17:44:0 और मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलोग्राम इन दोनों को आप दे सकते हैं। 30वें दिन 1 किलोग्राम 19:19:19 और साथ ही 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड आप छोड़ सकते हैं। 32वें दिन टीपी से 500 ml लिक्विड ट्राइकोडर्मा को छोड़िए केवल और केवल। 35वें दिन 1 किलोग्राम 052:34 और 13:40:13 आपको देना है 1 किलोग्राम। मिर्च 38वें दिन की होती है टीपी से, तो 150 ml लिक्विड माइक्रो न्यूट्रियन और 2 किलोग्राम 19:19:19 आप छोड़ सकते हैं। 42वें दिन आपको 2 किलोग्राम 17:44:0 और 2 किलोग्राम यूरिया आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। 46वें दिन 2 किलोग्राम 19:19:19 और कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम की दर से दे सकते हैं। 50वें दिन 2 किलोग्राम 052:34 आप छोड़ सकते हैं। 55वें दिन 052:34 2 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रियन 200 ग्राम आप छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से जैसे ही मिर्च की फसल 60वें दिन की होती है, तो अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम की दर से आप ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। 65 दिन की हमारी फसल होती है, तो 12:61:0 2 किलोग्राम वाइट पोटास 2 किलोग्राम दीजिए। 70वें दिन 18:24:06 2 किलोग्राम, 13:045 2 किलोग्राम। 80वें दिन आपको कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम देना है। और 90वें दिन की जैसे ही हमारी फसल होती है, तो 052:34 3 किलोग्राम, 00:50 3 किलोग्राम छोड़ सकते हैं। जैसे ही मिर्च की फसल ट्रांसप्लांट से 100 दिन की होती है, तो 13:045 3 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 250 ml प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से जड़ों के पास छोड़ सकते हैं। मिर्च की फसल 120 दिन की होती है, तो अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम आप दे सकते हैं। 125 दिन की फसल होती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम, बोरॉन 250 ग्राम की दर से आप छोड़ सकते हैं, जिसमें चमक क्वालिटी और फसल भी हरी भरी रहेगी। 130 दिन की फसल होती है, तो 00:50 4 किलोग्राम आप छोड़ सकते हैं। 135 दिन की मिर्च की फसल होती है, 13:045 4 किलोग्राम आप छोड़ सकते हैं। 140 दिन की हमारी मिर्च की फसल होती है, तो 17:44:0 3 किलोग्राम और वाइट पोटास 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। 150 दिन की जब हमारी मिर्च की क्रॉप होती है, तो ट्राइकोडर्मा लिक्विड 200 ml प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। 160 दिन की फसल होने पर 12:61:0 3 किलोग्राम आप छोड़ सकते हैं। 170 दिन की क्रॉप होती है, तो 13:045 3 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रियन सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 500 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। 180 दिन की क्रॉप होती है, तो अमोनियम सल्फेट 2 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलो इन दोनों को छोड़ सकते हैं। और जब हमारी मिर्च की फसल ट्रांसप्लांट से 200 दिन की होती है, तो 00:50 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ेंगे, तो उपज उत्पादन प्रोडक्शन काफ़ी शानदार तरीके से होगा। ये था फर्टिगेशन शेड्यूल।